ओम वंदे गौ मातरम। मित्रों, यूट्यूब चैनल स्वस्थ रक्षा से प्रभाव सबका स्वागत करती है। मित्रों, आज का विषय है धातु रोग पर। हमने बहुत सारी दवाइयां तो ली हैं पर काम नहीं कर रही हैं या काम नहीं किया उन्होंने। मित्रों, इस विषय पर मैंने एक बार पहले भी बात की थी, वो वीडियो मेरा आपको मेरी प्लेलिस्ट राजरोग में मिल जाएगा, वहां आप जाके देख सकते हैं। मुझे आपको कुछ फिर से कहना यह है कि मैंने वहां आपको बताया हुआ है कि आपको स्वास्थ्य के नियमों का पालन कैसे करना है। यदि आप नियम पालन नहीं करते हैं, आप पूरे नियम का पालन नहीं करते हैं, आप कितने भी कोई भी दवा खा लीजिए, वो आपको काम नहीं करेगी। क्योंकि होता क्या है ना मित्रों, बिगाड़ने के समय आपने पूरे मनोयोग से अपने आप को बिगाड़ लिया है। जिस तरीके से बिगाड़ा है, जो काम करके बिगाड़ा है, जो नशा आदि जो भी करके आपने बिगाड़ा है, आपने अपने आप को पूरी तरीके से बिगाड़ लिया है। सुधारने के लिए आप मात्र कुछ दवाइयां खा के और कुछ दिनों में सुधर जाना चाहते हैं? संभव नहीं है। क्योंकि कोई भी दवा, रामबाण औषधि, एक राम का बाण नहीं है कि चलाया और वो सब ठीक हो जाए। नहीं, आपको जो गलतियां आपने की हैं, उन सारी गलतियों को आपको सुधारना होगा। अपनी मानसिकता से लेकर अपनी दैहिक स्थिति से लेकर सब कुछ आपको सुधारना होगा, तब जाके वो दवाइयां आपकी देह पर काम करेंगी। अन्यथा आप सोचें कि हमारी कामुकता भी बनी रहे, हमारे नशे भी चलते रहें, हमारी वासनाएं भी घिरे रहें और हम दवाइयां खाते रहें, हम ठीक हो जाएं, संभव ही नहीं है। किसी भी स्थिति में ये संभव नहीं हो सकता। आप भूल जाइए इस बात को। जब तक आप अपनी सारी गलतियों को जड़ से पूंछ तक नहीं सुधारते, तब तक इस रोग का समाधान होना संभव नहीं है। आप प्रयास कर चुके हैं, कुछ महीनों से, कुछ सालों से कर रहे हैं, आप देख सकते हैं कि आपको परिणाम नहीं मिले। जब तक आप अपने मन की शुद्धि नहीं करेंगे, तब तक ये काम होना किसी भी स्थिति में संभव नहीं है। मैं ये हर तरीके से आपको बता रही हूं, क्योंकि मेरे पास बहुत प्रश्न आते हैं, बहुत सवाल आते हैं कि 2 महीने में मेरी शादी है, अगले महीने मेरी शादी है, मैं क्या करूं। ये आपने पहले क्यों नहीं सोचा, अपने आपको बिगाड़ने से पहले, कि मेरी बाद में स्थिति क्या बनेगी। तब आपको मस्ती सूझ रही थी, मौत सूझ रही थी, आपने गलतियां की तो परिणाम भुगतिए। ये आपके कर्म है, आपको ही झेलने पड़ेंगे, आपको ही भुगतने पड़ेंगे, कोई और भुगतने नहीं आएगा। आप झेलिए उनको, उसके परिणामों को झेलिए आप, ये आपके कर्मों का परिणाम है। इसलिए कहते हैं कि नियम पालन जो बनाए गए हैं, सोच समझ के बनाए गए हैं। आप यदि नहीं सोचते, नहीं समझते हैं, तो गलती आपने की है, परिणाम आपको ही उठाना है। और अभी भी समय है, संभलना चाहते हैं तो संभल जाइए। वासनाओं से मुक्त होइए, उपासना में लगिए। वीडियो के विवरण में मैंने वीडियो दे रखे हैं, सबका पालन करिए, अक्षर से पालन करिए। जितना पालन करेंगे, जितनी जल्दी पालन करना शुरुआत करेंगे, उतनी जल्दी आप स्वस्थ हो सकते हैं। आपको मात्र कुदरत के नजदीक जाना है, प्रकृति के नजदीक जाना है, आप पुनः पहले जैसे हो सकते हैं। आपकी दवाइयां जो आप खा रहे हैं वो आपको काम करेंगी, क्योंकि जो डॉक्टर आपको, जिस डॉक्टर के पास, क्योंकि हमने देखा है रस्ते में ये दवा खाना, हाशमी दवा खाना, पता नहीं किसका क्लिनिक किसका गया, बहुत सारी चीजें हम रस्ते में पढ़ते हैं। लोग ये इतनी विज्ञापन क्यों करते हैं, क्योंकि लोग इनके पास जाते हैं पर चोरी छुपे जाते हैं। क्यों? खुल के जाने की हिम्मत नहीं पड़ती इनकी। क्यों नहीं पड़ती? पता है कि हमने गलतियां की हैं। यदि गलतियां की हैं, उनको सरेआम स्वीकार करिए। स्वीकार करेंगे तब सुधार संभव होगा। क्योंकि कुछ पतियों को तो मैंने देखा है, पत्नियों पे सारी चीजें डाल देते हैं और पत्नियां स्वीकार भी कर लेती हैं कि मुझ में कमी है। बेटों की दूसरी शादियां तक करवा दी जाती हैं पर ये मौन रहते हैं, ये अपनी वासना में इतने अंधे होते हैं कि बस इनको सूझता नहीं है। 2 विवाह कर लिए 3 विवाह कर लिए लेकिन बच्चे नहीं हुए, तब जाके कहीं बच्चा गोद लिया। आपने इतने विवाह क्यों किया, पहले अपने आपको चेकअप क्यों नहीं करवाया? लेकिन पुरुष को अपने में दोष नजर नहीं आता, और जब तक नजर आता है, दिखता है, तब तक देर हो जाती है। आप इतने जब तक बिगड़ेंगे, आपको कोई नहीं संभाल पाएगा। यदि आपको संभालना है तो आप स्वयं संभालिए अपने आप को, वरना आपका गुस्सा बढ़ता जाएगा, आपके काम करने की शक्ति क्षीण होती जाएगी, आप अपने आप को पूरी तरह तबाह और बर्बाद कर लेंगे। कोई आपको नहीं बचा सकता, दुनिया की कोई शक्ति आपको नहीं बचा पाएगी। यदि आप इस रास्ते पर चल रहे हैं तो, या चले गए हैं तो, दवाइयां खाएंगे कुछ परिणाम नहीं आएंगे। यदि आप बचना चाहते हैं तो संयम से जीना सीखिए। बिगड़ चुके हैं, अभी भी समय है, आप अपने आप को बचा सकते हैं। संयम पे आइए, रात को जल्दी सो जाइए, एकांत मत ढूंढिए,
सबके साथ रहना सीखिए। एकांत इन सब चीजों की जड़ होता है। आप जो अश्लील फिल्में अश्लील हरकतें देखते हैं ना, उसका परिणाम है जो आपके साथ हुआ है। उन सबको छोड़िए, निकलिए उनसे बाहर। यदि नहीं निकलते हैं तो आप कभी भी ठीक नहीं हो सकते। कुछ भी कर लीजिए, आपको कोई ठीक नहीं कर सकता। मित्रों कड़े शब्द हैं ये, पर मेरी मजबूरी है, क्योंकि मेरे पास जो सवाल आते हैं, ऐसे ऐसे सवाल आते हैं को मुझे बस एक महीने में ठीक होना है। मेरे पास कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है, आप करना कुछ नहीं चाहते, बस एक महीने मुझे ठीक कर दो। कुछ नहीं कर सकता आपको, आपको समय लगेगा। हाँ, जो समय देते हैं 6-8 महीने लगते हैं, वो ठीक होते हैं। ऐसे मेरे पास कुछ पेशेंट ऐसे भी हैं जो हमने ठीक किए हैं, उन्होंने पेशेंट से काम किया, उन्होंने स्वीकार किया, दीदी मुझसे गलती हो गई, मैं क्या करूं। हमने उनको रास्ता बताया, बेटा आप ऐसा ऐसा करो, उन्होंने किया। और वो सारे रास्ते मैंने वीडियो में बता रखे हैं, पहले वीडियो में भी बताया है, और इसके वीडियो के विवरण में जो लिंक है, उनको सबको आपको पालन करना है। करिए, आप ठीक हो सकते हैं, अन्यथा घसीटते रहिए, दवाइयां खाते रहिए, कोई परिणाम नहीं है। यंग यदि आपको अच्छा लगे, क्योंकि आपको उपयोगी है यंग, तो औरों को बताइएगा। पर जो नए दर्शक हैं, वीडियो के विवरण के लिंक अवश्य देखिएगा, वहां से आपको मेरा फोन नंबर भी मिलेगा। लेकिन भूल कर भी सारे वीडियो देखे बिना, उनका पालन किए बिना मुझे फोन मत करिएगा, क्योंकि मैं फिर वही कहूंगी कि वीडियो देखिए, उनका पालन करिए। धन्यवाद। वंदे मातरम।